साथियों, मैं आपको एक और पुरानी भ्रष्ट व्यवस्था की याद दिलाना चाहूंगा। आप सभी को पता है कि कैसे देश से काला धन बाहर भेजने और काला धन वापस लाने के लिए शैल कंपनियों का इस्तेमाल होता था। हवाला के जरिए हजारों करोड़ रुपए इधर से उधर किए जाते थे। ये व्यवस्था चल रही थी, सब जानते थे और कुछ लोग तो इसका फायदा भी उठाते थे। बड़े पद पर बैठे हुए लोग फायदा उठाते थे। लेकिन इसकी कमर तोड़ने के लिए क्या किया गया भाई और बहनों? देश में एक कंपनी बंद होने पर कितना होल्ला मच जाता है, पुतले जलते हैं, टीवी पर 24 घंटे स्टोरी चल सकती है, क्या कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन हमारी सरकार ने 3.25 लाख से ज्यादा कंपनियों पर ताला लगा दिया और कोई चूं तक नहीं करता है। न कहीं पुतले जले, न किसी ने मोदी मुर्दाबाद कहा। क्यों? इन कंपनियों की क्या सच्चाई थी? आप हैरान हो जाएंगे। एक एक कमरे से 300-300, 400-400 कंपनियां चल रही थी, सब जानते थे, लेकिन किया कुछ नहीं जाता था। सबने मान लिया था कि भारत में ऐसे ही चल रहा है और ऐसे ही चलेगा। साथियों, इन बड़े घोटालों के साथ ही भ्रष्टाचारियों ने अपने लिए ऐसी व्यवस्थाएं भी विकसित कर ली थी जिससे उन्हें लगातार पैसा मिलता रहे। सोचिए, जिस देश में कागजों में 8 करोड़ से ज्यादा फर्जी नाम वाले लोग, ऐसे लोग जो कभी जन्मे ही नहीं लेकिन सरकारी सुविधाओं का लाभ ले रहे हो, जो बेटी पैदा नहीं हुई उसकी शादी हो जाती, विधवा हो जाती और विधवा पेंशन जा रहा है, बच्चा पैदा नहीं हुआ, स्कूल में एडमिशन हो रहा है, स्कॉलरशिप जा रही है, सालों से चल रहा है, अगर यही चलता रहे तो देश कैसे आगे बढ़ेगा? फर्जी नाम से राशन कार्ड, फर्जी नाम से गैस कनेक्शन, फर्जी नाम से स्कॉलरशिप, फर्जी नाम से पेंशन, ये 8 करोड़ फर्जी लोग गरीबों का अधिकार छीन रहे थे। और ये भी मैं बता दूं, ये 8 करोड़ की खोजबीन अभी तक तो मैं उन्हीं राज्यों में कर पाया हूं जहां पर हमारे लिए अनुकूल सरकारें हैं। बाकी उनके लिए जो अनुकूल है, बेईमानी करने वालों के अनुकूल है, ऐसी सरकारें इस देश में हैं, वहां अभी खोजबीन नहीं हुई, वो आंकड़े तो अभी बाकी है, वो आएंगे तब क्या होगा आप कल्पना कर सकते हैं। और उनको भी जान लीजिए कि ऐसा क्यों करते हैं। अब हमारी सरकार ने ही जनधन अकाउंट, आधार और मोबाइल की ट्रिनिटी से यह सुनिश्चित किया है कि गरीबों के अधिकार कोई छीन न सके, उनके हक का पैसा सीधा उनके बैंक खाते में जमा हो जाए। और लोगों को लगता है कि आधार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में इतना लंबा क्यों चला, इतने बड़े बड़े वकील आकर के आधार को रोकने के लिए क्यों खड़े हो गए, इतनी दुनिया भर की ताकत आधार के पीछे क्यों लगाई और इंडिविजुअल की सीक्रेसी को मुद्दा बनाया गया? ताकि पा मूल कारण यह है, 8 करोड़ वाली मलाई बंद हो गई थी। आधार आया तो 8 करोड़ वाले लोगों की जो मलाई खाई जाती थी बंद होती थी और उसी के कारण सुप्रीम कोर्ट को का समय व्यतीत किया जाता था। डीबीटी व्यवस्था से 1,10,000 करोड़ रुपए, ये आंकड़ा छोटा नहीं है जी, 1,10,000 करोड़ गलत हाथों में जाने से बचाए गए हैं। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डीबीटी हमारा भी है, डीबीटी उनका भी था। हमारा है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, उनका है डायरेक्ट बिचौलिया ट्रांसफर। और इतने रुपए बचाए गए, ये लूट आपके टैक्स के पैसे की थी। इस हॉल में मौजूद, आपके न्यूज रूम में मौजूद देश के ईमानदार टैक्स पेयर के पैसे की थी जिसे हमारी सरकार ने बंद किया है।
साथियों, स्वतंत्रता के बाद दशकों तक जिनका इस देश पर राज रहा है, जिन्होंने खुद को भारत का भाग्य विधाता समझा है, क्या वो इसके लिए जवाबदेह है कि नहीं है?